सो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सुरेशिंग मशीन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपकी सिलाई मशीन में, छोटी सिलाई मशीन में दाना देता है, टाका देता है, मशीन जाम चलता है, आवाज़ देता है और सुई टूटता है, ये सब हर समस्या का समाधान एक ही वीडियो में लाया हूँ, जिसे मैं पूरा फुल डिटेल से बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग को इसे सही करना है। तो वीडियो का एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मशीन को कुछ इस प्रकार से आप लोग को निकाल लेना। समझिए एक फुल सर्विस रिपेयरिंग वीडियो ये होने वाला, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखिएगा तो एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। सबसे पहले आप लोग को फेस प्लेट को ओपन कर लेना, फिर चापा को ओपन कर लेना। कोई भी सिलाई मशीन हो जिसमें आवाज़ दे रहा है या टाका दे रहा है या सुई टूट रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ये काम करना है छोटी सिलाई मशीन में। फिर आपको इसे ओपन करना है, चांद प्लेट को भी ओपन कर लेना है। अब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस फिर आप लोग को बॉबिन केस को ओपन करके नाल को निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से नाल को ओपन कर लेना है। इस दोनों नट को ओपन करने के बाद एक इसके लिए आप लोग क्या करना है, एक तेल का डब्बा, बढ़िया वाला तेल, और उसका एक स्क्रू जिसे पेक्सेस कहते हैं उसे ले लेना, एक छोटा सा भी पेक्सेस ले लेना, एक बढ़िया नया सुई ले लेना है जो सुई नहीं होना चाहिए, एक सूती का कपड़ा लेना है आप लोग को, ये सब चीज़ का आप लोग को व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद आप लोग को नाल को कुछ इस प्रकार से आप लोग को खोल लेना। अभी मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से किसके कारण क्या क्या दिक्कत होता है, क्या चीज़ खराब हो, वो भी टोटल चीज़ इसमें कम्प्लीट वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसी कारण वीडियो को एंड तक बने रहे। अब आपको क्या करना है, एक मूव होने वाला ब्रश ले लेना, डीजल या पेट्रोल होगा तो बढ़िया बात होगा, और पूरा जितना जहाँ जहाँ गंदगी है आप लोग को साफ करना है। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दाता के पास बहुत सारा गंदगी है, तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से आप लोग को साफ करना है, मूव होने वाला ब्रश से साफ कर लेना है। बढ़िया से जहाँ जहाँ गंदगी होगा वहाँ पर से पहले गंदगी को आप लोग को निकालना है, क्योंकि गंदगी रहेगा तो मशीन एक्चुअली जाम चलेगा, तो गंदगी पहले साफ कर लेना। जैसे में देखिए इसमें क्या होता है कि धागा वगैरह या कोई भी इसमें गंदगी रहेगा तो क्या होगा, कपड़ा आगे नहीं जाएगा, तो ये सब चीज़ को आप लोग को क्लीन कर लेना है बढ़िया से। आपकी भी सिलाई मशीन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछिए, उस पर भी समझ में आता है हमें वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को गंदगी को एकदम पूरा क्लीन कर लेना है। जो भी यहाँ पर कचरा आप लोग देख सकते हैं इसे आप लोग को पहले क्लीन कर लेना है। आप क्लीन कर लेना है, नहीं तो आप वीडियो का स्पीड ही करके देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लीन करने वाला आप लोग को उसे बोल नहीं लगे। तो आप लोग को पूरा बढ़िया से क्लीन कर लेना है, ब्रश एकदम एक ब्रश ले लेना है मुंह धोने वाला, डीजल या पेट्रोल से आप लोग को इसे पूरा बढ़िया साफ कर लेना है। उसके बाद आप लोग को सूती कपड़ा से इसे पोंछ लेना है बढ़िया से एकदम हल्का सा, हो सके वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं साफ करने के बाद आप लोग को पूरा जगह तेल दे देना है, मशीन का तेल ओरिजिनल वाला, नहीं तेल होगा तो आप लोग क्या करना है, मीठी तेल जिसे करासन तेल कहते हैं और नारियल का तेल मिक्स करके आप लोग इसमें दे सकते हैं, जिससे में मीठी तेल कितना रहेगा मीठी तेल। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग को क्लीन करने के बाद सभी जगह तेल दे देना। तेल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, किरासन तेल या किरासन तेल और नारियल तेल मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे में किरासन तेल आप दे रहे हैं तब 45% किरासन तेल दीजिएगा, 55% नारियल का तेल दीजिएगा। उसके बाद मिक्स करके आप लोग पूरा सिलाई मशीन में तेल दे देना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर तेल देना है पूरा डिटेल से। तेल देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस जो पास्ट आप लोग निकाले इसे आप लोग को साफ करना है। तो उसके लिए आप लोग को एक सूती कपड़ा ले लेना है। सूती कपड़ा लेने के बाद आप लोग को सबसे पहले नाल को साफ करना है, इसे नाल कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को नाल को साफ कर लेना है। इसमें आप लोग जितना कचरा रहेगा उसे आप लोग को बाहर निकाल देना है। यहाँ पर आप लोग को घाट को भी कुछ इस प्रकार से आप लोग को साफ करना है, जिस प्रकार से मैं साफ कर रहा हूँ उस प्रकार से आप लोग को साफ करना है नाल को।
उसके बाद आप लोग कुछ इसे रिंग कहते हैं, रिंग को भी बढ़िया से साफ़ कर लेना। बहुत सारे लोग हड़कते क्या है कि रिंग सही से नहीं बैठाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग को एक एक चीज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। फिर सेटल को साफ़ कर लेना है, फिर पत्ती को साफ़ कर लेना है, फिर नट को साफ़ कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे नाल किस प्रकार से सेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले नाल हो गया, उसके बाद आप लोग को सेटल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख देना है। देखिए सही तरीके से बैठ जाएगा तो इसे आप घुमाइएगा तो घूमेगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं घूम रहा है। सही तरीके से बैठा है तो समझिए बढ़िया से घूमेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गलत तरीका रहेगा तो नहीं घूमेगा, तो आप लोग इसे देख लेना कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ये चिकना वाला भाग है, ये देख दो पॉइंट कटा हुआ है, दो पॉइंट जो रहेगा जो ऊपर रहेगा और जो चिकना वाला भाग है वो नीचे की ओर रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गलती करते हैं, क्या कहते हैं उल्टा सेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, धागा काटेगा, बढ़िया से चलेगा नहीं, आवाज़ देगा। तो जब भी ध्यान दे, चिकना वाला जो भाग है, जो पूरा चिकना है उसे नीचे रखना है, जो कट दो है उसे ऊपर रखना है। उसके बाद पत्ती को कुछ इस प्रकार से आप लोग को सेट करना है, ऐसा नहीं कि चढ़ा के सेट कीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग को जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। कहूँ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं समझ में तो वीडियो बना के या फोटो खींच के आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करें। उसके बाद इसे पूरा फुल टाइट कर देना है। इसे पूरा फुल टाइट करने के बाद अब आप लोग को नाल को जिसे सेटल को चला के देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटल घूम रहा है, तो समझिए सही है, कोई भी दिक्कत अब इससे नहीं होगा। ऐसे तो अधिकतर चीज़ें से जिसमें धागा फंस जाता है तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग को भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसे देख सकते हैं घुमा के एकदम फ्री चल रहा है, बेचान जाम चले तो हल्का सा इसे ढीला कर दीजिएगा ना। अब आप लोग को यहाँ पर साफ़ करने के बाद कुछ ही इस प्रकार से कर लेना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और कुछ ही इस प्रकार से सेट करने के बाद आप लोग को दोनों नट को फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने से पहले एक बार चक्का को घुमा के देख लेना है, सेटल से या कैरियर से बढ़िया से तो सेट हो गया, बढ़िया से नहीं सेट होगा तो फिर क्या होगा, नहीं घूमेगा और मशीन भी जाम चलेगा। तो आप लोग को इसे पूरा फुल टाइट कर देना है। उसके बाद घुमाने के पहले आप लोग को पहले सॉरी नट कसने से पहले आप लोग को घुमा के देख लेना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ना सही चल रहा है, हल्का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को पूरा फुल टाइट कर देना है नट को, पूरा फुल टाइट करने के बाद यहाँ पर भी आप लोग को तेल देना है हल्का सा, इसमें क्योंकि तेल नहीं दिए हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को तेल दे देना है हल्का सा। इस नट को टाइट करने के बाद आप लोग को चला के देख लेना, ये जाम तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जाम नहीं चल रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को एक बढ़िया सुई लाना, ओरिजिनल सुई लाना, ऑर्गन का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सुई गलत लगाते हैं इसके कारण भी सुई टूटता है। तो सुई टूटता है तो आप लोग क्या करना है, चिपटा वाला भाग है जो इसे अंदर की ओर रखना और जो कट वाला है उसे आगे रखना है, जो चिपटा भाग रहेगा उसे अंदर की ओर रखना। अब सुई को पूरा ऊपर चढ़ा के आप लोग को इस नट को टाइट करना। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, नीचे में ही सुई को ढीला टाइट कर देते हैं, उससे क्या होता है सुई टूटेगा, टाका देगा, सिलाई छोड़ छोड़ के चलेगा, तो ये सब चीज़ का आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग को क्या करना है, सुई को सबसे ऊपर सेट करना और पूरा फुल टाइट कर देना, और चिपटा वाला भाग रहेगा जो अंदर की ओर रखना, ओरिजिनल सुई लगाइए। डुप्लीकेट सुई में क्या होता है, जो चिपटा वाला भाग रहता है वो आगे की ओर रहता है, इसके कारण भी बहुत सारा लोगों को परेशानी होता। अब आप लोग यहाँ पर हल्का सा एक टाइमिंग मिला लीजिए, क्योंकि मेन जट यहाँ पर टाइमिंग है, सबसे मेन पॉइंट भी टाइमिंग है। तो टाइमिंग को आप लोग को किस प्रकार से मिलाना, देखिए जो सुई का जो जिसमें धागा फंसाते हैं और जो सेटल का पॉइंट है, पहले आप लोग को सुई का पॉइंट नीचे रहना चाहिए और सुई का पॉइंट नीचे रहना चाहिए और सेटल का पॉइंट फिर बाद में ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को मिला के देख लेना, नहीं तो फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, सेटल से नीचे सुई नहीं जाना चाहिए बस। अब आप लोग को क्या करना है, चांद प्लेट को सेट करना है। चांद प्लेट को सेट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर से मिला लेना और इस दोनों नट को आप लोग को पूरा फुल टाइट कर देना है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नट को पूरा फुल टाइट करना है। फुल टाइट करने के बाद आप लोग को अब नीडल को देखना है और चांद प्लेट को देखना है। चांद प्लेट का जो हॉल यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बीच बीच में नीडल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो सुई है वो चांद प्लेट के बीच बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा तो इससे कारण क्या होगा, जैसे सट के जाएगा बात के मतलब चांद प्लेट में, तो क्या होगा सुई टूटेगा, टका देगा, ये सब चीज़ दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली हल्का सा भी इधर माइनेज करना, जैसे बात का मतलब इधर सट रहा है तो इधर से ठोकिंग थोड़ी से एक्यूरेट से कुछ इस प्रकार से आप लोग को प्रेस करना, जिधर करना उधर आप लोग को कर लेना।
उसके बाद चापा को सेट करना, इसे भी पूरा फुल टाइट कर देना। पूरा फुल टाइट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा फुल टाइट करने के बाद इसे आप लोग को मिलाना है, जिसमें में बीच में कट है तो नीडल जो है, जो सुई है एकदम इसके बीच बीच में जाना चाहिए, सट के जाएगा तो सुई टूट जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मिलाने के लिए इस नट को ढीला करना है, आपको जिधर सट रहा है उधर से हटा के एकदम बीच बीच में करना, इस नट को टाइट करना, जो छोटी नट थी इसे टाइट करना। फिर फेस प्लेट को आप लोग को इस प्रकार से कुछ सेट कर लेना, इसे आप लोग को पूरा फुल टाइट करना। फिर सेट बॉबिन केस को लगाना और धागा को लगाना, और आप लोग को इसमें सिलाई करके देखना है। फिर कोई भी दिक्कत होता है आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी नहीं समझ में आए तो हमें वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आपकी सिलाई मशीन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सेट करने के बाद आप लोग को इसमें धागा सेट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोबिन केस को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप लोग को धागा सेट करके सिलाई करके चेक कर लेना है, मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ मैं बार बार क्यों करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, गलत हो जाता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, तो परेशान आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना। उसके बाद आप लोग को सिलाई करके चेक कीजिए, मोटा कपड़ा पतला कपड़ा जैसे चलाना आप लोग को चला के देख सकते हैं। पर देख सकते हैं मशीन भी हल्का हो गया, आवाज़ भी नहीं कर रहा, चाल भी इसका बढ़ गया, क्योंकि देखिए दाता के पास गंदगी था इसी कारण चाल इसका कम था। तो चलिए वीडियो सुन, वीडियो को लाइक करके चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिलता और मिलते रहेगा। मन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। बिचांस नीचे का सिलाई ख़राब दे तो आप लोग को टेंशन को टाइट करना है हल्का सा, ऊपर का सिलाई दे ख़राब तो बोबिन केस का जो नट है इसे आप लोग को टाइट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।